नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जहां आज समाज में निवास करने वाला प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है, तो वहीं दिव्यांग जन भी अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में जिला अधिकारी को एक ज्ञापन राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि 2016 में विकलांग अधिनियम बनाया गया था, जिसमें धारा 89, 92 और 93 के अंतर्गत दिव्यांगजनों पर की जाने वाली अभद्र टिप्पणियां तथा अत्याचार को लेकर थानों में FIR दर्ज कराने का प्रावधान है। साथ ही साथ दोष साबित होने पर सजा और गैर जमानती वारंट का भी प्रावधान है, लेकिन थानों में इन धाराओं को बोर्ड पर चस्पा न किए जाने के कारण समाज में दिव्यांगजनों पर आए दिन लोग अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए जनपद के सभी ब्लॉक, तहसील और जिले के थानों में उक्त धाराओं में वर्णित प्रावधानों को बोर्ड पर अंकित किया जाए, ताकि अपराधियों को दिव्यांगजनों पर अत्याचार करने से रोका जा सके। क्या मांगे आपको? सर, मैं भीमपाल सिंह, विकलांग संरक्षण समिति गोना से, और जो सरकार की तरफ से कानून बनाया गया था, जो धाराएं थीं 2016 में 89, 92 और 93 का, तो उसके तहत अगर कोई व्यक्ति हम लोगों से अभद्रता करता है, मारपीट करता है या किसी भी तरह की प्रताड़ना, तो उस पर सख्त कानून था कि सरकार इस पर एक्शन लेगी, उसको जेल भेजेगी और अर्थदंड भी लगेगा। इस प्रकार से कई घटनाएं होती हैं समाज में, आप लोग भी देख रहे हैं और हम लोग तो प्रताड़ित हो रहे हैं। एक हमारे गांव की घटना है, दो लोगों को पास में ही कोई युवा खेल रहे थे, वो वहाँ खोखा रखे थे विकलांग, तो आके उन्होंने उन विकलांगों को मारा कि आपने रोका क्यों नहीं। उन्होंने ये कहा कि सर, हम तो विकलांग हैं, कैसे रोक सकते हैं। ठीक, तो जब उन थाने एसओस के पास हम गए हैं और शिकायत की है, तो वो बोले कि ये गलती उनकी है। तो हमने कहा सर, वो कैसे रोक सकते हैं, अगर वो रोकेंगे तो कोई उनके उसमें जो दुकान रखे खोखे में आग लगा देगा या उन्हें और मारेगा, तो आपसे ही संरक्षण उनका है और आप अगर रक्षा नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम जब माननीय DM साहब थे मानवेंद्र सिंह जी, तो यहीं आए, उनको बताया, तो एक्शन लिया गया उस पर। इसी प्रकार का वो कानून है, उसमें सरकार संशोधन के बारे में सोच रही थी, लेकिन उन्होंने अभी मना कर दिया है, क्योंकि ये सशक्त कानून है, हम लोगों की रक्षा करने वाला कानून है, यही लागू रहना चाहिए। और हर थाने में, इसके चौकी में, ग्राम पंचायत में, जहाँ भी प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं या कार्यालय हैं, बोर्ड लगना चाहिए, ताकि जानकारी सभी को हो सके। प्रचार प्रसार होना चाहिए जी, हाँ, प्रचार प्रसार होना चाहिए। और कई विकलांग ऐसे भी हैं जो हमें लोगों में अनपढ़ हैं, या उन्हें कोई धारा या किसी कानून की जानकारी नहीं, तो वो पढ़ के या किसी के द्वारा माध्यम से उन्हें जागरूक किया जा सके कि हाँ ठीक है, ये आपके लिए है, आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। इसी के संबंध में हमने DM साहब को ज्ञापन दिया। क्या क्या मांगे आप? सर, हम लोग राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, अपनी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का, मैं जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजपूत ललितपुर से हूँ, और हम लोगों ने जो हमारा विकलांग अधिनियम 2016 में पारित संशोधन करके पारित किया गया था, जिसमें धाराएं 89, 92, 93 है, जिसके तहत अगर कोई हमसे अभद्र व्यवहार करता है, हमसे गाली गलौज करता है या हमारे साथ मारपीट करता है, तो उसके खिलाफ सरकार FIR दर्ज करके उस पर केस करके कार्रवाई कर सकती है, अगर वो सही पाया गया तो। इस धारा की अभी तक पब्लिक के सामने कोई जानकारी नहीं है, सरकारी कर्मचारियों की भी जानकारी नहीं है, और जो प्रशासन अधिकारियों ने भी जानकारी नहीं है। तो इसके तहत हर कोतवाली, हर प्रशासन कार्यालय में, चौकियों में, थानों में बोर्ड लगवाए जाए, इसके लिए हम ज्ञापन देने अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के पास आए थे। ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें लिखवाए, किस प्रकार का ज्ञापन था? ज्ञापन हमारा यही था सर, कि जो धाराएँ हमारी, उनकी जानकारी के लिए बोर्ड लगवाए जाए प्रत्येक थाने में, प्रशासनिक कार्यालयों में, चौकियों में, जिले लेवल पर, तहसील लेवल पर, मंडल लेवल पर, सभी जगह। क्या चीज़ लिखवाई है उसमें? क्या उसमें प्रावधान है? धारा 89, 92, 93, इसके खिलाफ अगर कोई विकलांग अवध व्यवहार करता है तो उस पर कार्रवाई हम लोग करवा सकते हैं, और अगर वो दोषी पाया गया तो उसे 6 महीने की सजा, 6 महीने की सजा और 50,000 रुपये का अर्थदंड है, 5 लाख। और अगर वो 50,000 से लेकर, अगर वो दोबारा इसकी कार्रवाई, मतलब फिर से कोई काम करता है, तो इसके लिए उसकी सजा चौगुनी हो जाएगी, अर्थदंड भी चौगुना, अर्थदंड 10 गुना हो जाएगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट।